गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको द सेंटेंस। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, तो उसी को पढ़ेंगे। बच्चों स्कूल में इंग्लिश की बुक, सारे सब्जेक्ट्स की बुक आ गई हैं, आप ले सकते हैं, जाके स्कूल से बुक्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारी पढ़ाई तो स्टडी स्टार्ट ही हो गई है। सबसे पहले हमारे द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्य, जैसे प्लेज हॉकी, तो इसमें सही करना है। इसमें ये जंबल वर्ड टाइप में हैं, गलत हैं, रॉन्ग दिए हैं, उसको आपको सही उसमें लगाने। तो ही प्लेज हॉकी। अब इसमें फादर हैज़ गॉन होम, द सन हिड बिहाइंड क्लाउड्स। तो ये आपको सेंटेंसेस बनाने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। ये इसका क्या है, पूरा सेंटेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब आपको ये करने, राहुल वेंट टू स्कूल, कोलकाता इज़ वेरी बिग सिटी, लाइक ये सभी आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए हैं। तो इसमें क्या है आपका, व्हाट इज़ दिस, ये बोला द पर्सन और प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कोई भी जगह, वस्तु, पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, थिंग हो गई, वो सब्जेक्ट होता है। एंड प्रेडिकेट अबव सेंटेंस हैव बीन ब्रोकन इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे दिए एग्जांपल, जैसे रोहित वेंट टू स्कूल, द डॉग इज़ अ पेट एनिमल, कोलकाता इज़ वेरी बिग सिटी, द मैन हाउ इज, हाउ टॉल इज। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।